कैसे हैं आप लोग? तो आओ जा, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी क्यों? बहुत तेज हो रहा है। खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। तो लगता है मोटरोला फिर से फॉर्म में आ चुका है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटरोला के अपकमिंग स्मार्टफोन मोटरोला वन प्लस फ्यूजन के बारे में, जो बहुत ही कमाल का फोन होने वाला है दोस्तों। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस फोन के बारे में पूरी जानकारी तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। फोन बहुत ही कमाल का है और दोस्तों बहुत ही एग्रेसिव प्राइस के साथ आने वाला है। और ऐसे कमाल के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करें। तो बात करते हैं इस फोन के स्पेक्स के बारे में कि इस फोन में आपको क्या मिलने वाला है। तो बहुत दिनों के बाद दोस्तों मोटरोला के किसी फोन में पॉपअप कैमरा देखने को मिलने वाला है। अगर इस फोन के डिस्प्ले की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको 6.5 इंचेस का फुल एचडी प्लस आईपैड डिस्प्ले जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं यहाँ पे सेल्फी कैमरा की, तो 16MP का सेल्फी कैमरा होने वाला है जो कमाल का कैमरा होने वाला है और साथ ही आप कमाल का सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। और बात करें रियर कैमरा की, तो रियर में आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलने वाला है। जो प्राइमरी कैमरा होने वाला है वो 64MP का होने वाला है, जो सोनी के सेंसर के साथ नहीं बल्कि सैमसंग के सेंसर के साथ आने वाला है। जो सेकंड कैमरा होने वाला है वो 8MP का होने वाला है और थर्ड कैमरा 5MP का और लास्ट कैमरा 2MP का होने वाला है। तो कुछ इस तरह के सेटअप के साथ कैमरा आने वाला है, तो देखने में काफी कमाल का लग रहा है। तो अब बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो दोस्तों बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, जिसके वजह से दोस्तों इस फोन में आपको गेम का एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ देखने को मिलने वाला है। और बताया जा रहा है दोस्तों ये फोन आपको इंडिया में जून के एंड तक देखने को मिल जाएगा। अगर रैम वेरिएंट की बात करें तो ये फोन आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलने वाला है, 4GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। वहीं दोस्तों अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो बताया जा रहा है इसमें 5000mAh का बिग बैटरी होने वाला है जो फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा, लेकिन कितने वाट का फास्ट चार्जिंग होगा यह अभी कंफर्म नहीं हुआ है। और प्राइस की बात करें तो प्राइस बहुत ही अग्रेसिव होने वाला है, जो 20,000 के अंडर ही रहेगा, जिसके कारण दोस्तों बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिटर हो जाता है रेडमी नोट 9 प्रो और वन प्लस जेड जो जुलाई में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, और नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आप वन प्लस जेड का वेट कर रहे हैं या फिर फोन का वेट कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।